नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे के वीडियो में चर्चा की थी हमारे जो तीन डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं। तो फ्राइडे को जो डेरिवेटिव्स का डेटा था वो न्यूट्रल था और हमारा जो मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था, और जो इसके अलावा तीसरा हमारा मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है दोस्तों वो भी ग्रीन जोन में था, वो भी पॉजिटिव था। तो जो भी मेजॉरिटी व्यू होता है हम उसी के हिसाब से अगले दिन का एक एनालिसिस करके अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो दोस्तों, जो मेजॉरिटी व्यू था वो पॉजिटिव या स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा था। तो मार्केट ओपन, अगर आप प्री ओपनिंग सेशन में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी यहाँ पर हमें रेड में दिखाई दे रही थी, तो मुझे भी संदेह हो रहा था कि मार्केट ग्रीन में ओपन करेगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मार्केट ने लास्ट के एक दो मिनट में रिकवरी की और यहाँ पे ग्रीन में ओपनिंग हुई, और उसके बाद आप पहले पाँच मिनट में देख सकते हैं एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल हमें देखने को मिली जो मार्केट को लगभग 17,500 के नज़दीक ले गई। उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है वो ग्रीन के अंदर ही ट्रेड करती रही। लेकिन दोस्तों, सुबह जब मार्केट पहले आधा घंटा यहाँ पे 17,500 के ऊपर कॉल राइटर्स भी एक्टिव थे और 17,400 पे पुट राइटर्स एक्टिव थे, लेकिन फिर 17,500 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया और 17,500 पे फ्रेश पुट राइटिंग देखी गई और उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों, इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि आज क्या हुआ। दोस्तों, FIIs DIIs ने लगभग एक समान बाइंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FIIs का नंबर 902 करोड़ के आसपास है, DIIs का नंबर 803 करोड़ के आसपास है। कोई खास एक्टिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिली, तो बेसिकली अभी बड़े प्लेयर्स अभी भी छुट्टी के मूड में है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमें नंबर दिखाई देते हैं, नॉर्मली DIII का डेटा 1500 करोड़ के आसपास होता है, FIIs या तो बाइंग करते हुए अच्छी मात्रा में दिखाई देते हैं 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास या सेलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली सबड्यू एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कुछ दर्शक कमेंट्स में पूछते हैं, भाई आपने तो कहा था कि FIIs छुट्टी पे चले गए तो यहाँ पे ये FII एक्टिविटी कौन कर रहा है। भाई देखिए, छुट्टी पे चले गए मतलब सारे लोग थोड़ी छुट्टी पे चले गए हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो छुट्टी पे चली गई है। FIIs ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमारे यहाँ अमेरिका के हैं, दूसरे देशों से भी जो FPI या FIIs रजिस्टर्ड हैं, तो सिंगापुर से भी निवेश होता है। तो बेसिकली जो छुट्टी पे गए हैं, जो मुझे लगता है वो अमेरिका या जो आपके जहाँ पे ये क्रिसमस या न्यू ईयर जो है एक हॉलीडे सीज़न होता है मोस्टली, वहाँ के FIIs छुट्टी पे गए हैं। इसके अलावा दूसरे FIIs जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन बड़े FIIs इस समय छुट्टी पे गए हुए हैं। तो दोस्तों, कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आज बैंक निफ्टी ने, जिसको कह लीजिए कि निफ्टी को सहारा दिया, और बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 2.65% ऊपर गया। इसके अलावा PSU और प्राइवेट बैंक्स दोनों में 2-2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। फार्मा रेड में रहा, जब बाकी सारे सेक्टर्स रेड में होते हैं फार्मा ग्रीन में होता है, जब सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं तो यहाँ पे फार्मा हमें रेड में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कि हमने फ्राइडे को भी चर्चा की थी कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक न्यूट्रल सा व्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम लॉन्ग साइड पे देखें तो लगभग 13,000 के आसपास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बने FIIs और क्लाइंट्स के द्वारा, लेकिन शॉर्ट साइड पे देखें तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो कुछ दर्शकों ने पिछले वीडियो के कमेंट में लिखा कि यहाँ पे हम केवल बड़े प्लेयर को देखें या पहले दूसरे तीसरे नंबर को देखें। दोस्तों, ऐसा नहीं होता, हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे नेट बेसिस पे किसके व्यू में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को
मिल रहा है, तो वो हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज से देखते हैं। तो यहाँ पे FIIs के जो, जिसको कह लीजिए FIIs का जो व्यू है, उसके अंदर कोई हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जो LS रेशो है 2.3 है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप ये सीरीज शुरू से देख रहे हैं, इस सीरीज़ के सभी वीडियोस आपने देखे हैं, तो लगभग जब ये रेशो 2 के नज़दीक होती है, वहाँ से मार्केट पलटनी शुरू हो जाती है। मतलब वहाँ से FIIs या तो अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू करते हैं, या वहाँ पे जिसको कह लीजिए कि वहाँ के जब उस पॉइंट के नज़दीक होती है मार्केट, तो वहाँ से रिवर्सल नज़दीक हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज प्रॉप डेस्क जो है पिछले 2 दिन से लगातार शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है, इनका LS रेशो इस समय 0.5 आ गया है। तो बैक टेस्टिंग में जैसे हम कई बार चेक कर चुके हैं कि जब प्रॉप डेस्क लगातार 2 दिन शॉर्ट पोजीशन बनाता है, तो तीसरे दिन मार्केट रेड में जाती है। एक बार ये बैक टेस्टिंग फेल हो चुकी है, तो कोई भी सिस्टम सेटअप बैक टेस्टिंग होली ग्रेल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें विनिंग रेट देखना ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पिछले 2 दिन से प्रॉप डेस्क शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है, और इनका LS रेशो 0.5 है, और आज भी लगभग 6000 के नज़दीक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बनाए, और जो LS रेशो है FIIs का वो इस समय 2.3 है। तो दोस्तों प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लग रहा है कि जो डेरिवेटिव्स का डेटा है वो हमें स्ट्रेंथ या जिसको कह लीजिए पॉजिटिव जो मार्केट की तरफ इशारा कर रहा होगा, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन डेटा पॉइंट से अलग हो सकता है। मैं हमेशा बैक टेस्टिंग या मार्केट के बिहेवियर पे ज़्यादा जोर देता हूँ, ना कि डेटा पॉइंट्स पे। तो जो मेरी लर्निंग होती है उसके बेसिस पे मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि डेरिवेटिव्स हमें चाहे न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन ये एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। उसके 2 कारण है, FIIs का LS रेशो 2.3 है, प्रॉप डेस्क पिछले 2 दिन से जो है शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे FIIs और प्रॉप डेस्क दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी पोजीशंस को लेके। यहाँ पे आप FIIs देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं, इनको हेज किया है ऑप्शंस की सहायता से, और प्रॉप डेस्क ने जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, इन्होंने भी इन पोजीशंस को हेज किया है ऑप्शंस की सहायता से। तो बेसिकली दोनों ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ना ही FIIs कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ना ही प्रॉप डेस्क कॉन्फिडेंट है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो बेसिकली यही कारण है कि मैंने फ्राइडे के वीडियो में आपको बताया था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और क्लाइंट्स भी यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड पे फ्रेश पोजीशंस बन रही हैं। दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की अगर बात की जाए, उसके अंदर आज गिरावट देखने को मिली, चाहे मार्केट में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर में गिरावट हमें देखने को मिली। और पास्ट में हमें जब भी मार्केट सेंटीमेंट स्कोर में गिरावट देखने को मिली है, वो एक संकेत होता है कि मार्केट जो है वो या तो ठहर जाएगी जहाँ पे है उसी के आसपास, या उससे अगले लेवल को टेस्ट कर सकती है, या वहाँ से रिवर्स हो सकती है। और दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो, जिसको आप कह लीजिए कि ये एक अपने पीक के नज़दीक पहुँच गया है। तो यहाँ पे हमने अभी तक का हाईएस्ट जो है 400 का स्कोर देखा था, तो ये नॉर्मली 400 तक ही जाता है, मतलब जो अगर आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो 350-400 के बीच में इसका एक पीक होता है, इस समय 316 है। तो ये भी हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पे अपसाइड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो दोस्तों जो 3 डेटा पॉइंट्स हैं डेरिवेटिव्स, वहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि न्यूट्रल है, लेकिन वीकनेस की तरफ संकेत कर रहा है, मार्केट सेंटीमेंट स्कोर गिर रहा है, चाहे वो ग्रीन में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो आपका मनी फ्लो वाला डेटा है, ये एक पीक के नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन डेटा पॉइंट से डिफरेंट है, मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपसाइड जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है मार्केट की, और यहाँ पे जो अगला लेवल मार्केट टेस्ट कर सकती है वो केवल 670 है, 17,670, लेकिन ओवरऑल जो डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पर्सनल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक वीकनेस की तरफ इशारा
कर रहे हैं। तो पिछली बार भी मैंने तीनों डेटा पॉइंट्स की चर्चा की थी, तो दर्शकों ने कहा कि आप लिख के बता दिया कीजिए, तो मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको जो है मेरे पर्सनल इंटरप्रिटेशन को समझने में आसानी हो। डेरिवेटिव्स का डेटा न्यूट्रल है, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, उसके रीजंस मैंने आपको दे दिए। मार्केट सेंटीमेंट स्कोर चाहे ग्रीन में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से अपसाइड जो है वो लिमिटेड हो जाती है और मनी फ्लो जो है अपने पीक के काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पे LS रेशो जो FIIs है वो 2.3 है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरा पर्सनल कंक्लूजन एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ से जो अपसाइड है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और लेवल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे 670 का लेवल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अब इंट्राडे की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई, तो ओपन होते ही कॉल राइटर्स एक्टिव थे 17,500 पे, तो इसके एक रेजिस्टेंस के काम करने की जिसको कह लीजिए कि एक संभावना थी। तो 17,500 का लेवल कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट जो है कंसोलिडेट भी हुई और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा था। तो दोस्तों इस पीरियड के दौरान लगभग 9:30 बजे के आसपास, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि 17,400 पे पुट राइटर्स एक्टिव थे और 17,500 पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे, तो मार्केट के इसी रेंज में रहने की संभावना थी अंटे अनलेस कोई एक खिलाड़ी अपनी पोजीशंस को क्लोज करना ना शुरू करे। तो यही एक अपडेट मैंने शेयर किया था कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में फिर सैंडविच होती हुई दिखाई दे रही है, जब तक कोई एक खिलाड़ी यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज ना करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट 17,490 के आसपास थी, यहाँ पे जो आपके 17,500 के कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी और 17,500 पे पुट राइटिंग की एक्टिविटी हमें देखने को मिली, और ये फ्रेश पोजीशंस थी। मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि मैं हमेशा फ्रेश पोजीशंस को ज़्यादा वेटेज देता हूँ रादर क्लोजिंग ऑफ पोजीशंस। तो यहाँ पे 17,500 पे पुट राइटर्स एक्टिव हुए, तो उसके अंदर जो 17,500 के कॉल राइटर्स हैं उनका बाजी हारना ऑलमोस्ट निश्चित था। तो यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था कि 17,500 के जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी बैटल को लूज कर देंगे, स्कोर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि 17,500 के ऊपर पुट राइटिंग हो रही थी और 17,500 पे कॉल राइटर्स काफ़ी समय तक उन्होंने होल्ड करके रखा, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। शायद 12:10 या 15 मिनट तक आप देख सकते हैं कि मार्केट यही 17,520 के आसपास ट्रेड कर रही थी। हाँ 12:10 क्योंकि मुझे ध्यान है ये जो समय था यहाँ तक मार्केट जो है 500 के नज़दीक ही ट्रेड कर रही थी और यहाँ पे कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशंस ऑफलोड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पूरी तरीके से जो है गिव अप जो है करने का मन नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो उसके बाद यहाँ पे एक मैसिव जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दी और उसकी वजह से ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली। तो दोस्तों ये था इंट्राडे अपडेट, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो मार्केट सेंटीमेंट वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।